हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और आ गया हूं वापस आप लोगों के लिए लेकर एपिसोड 3 डार्क इंटेंशन का। वैसे ओरिजिनल नाम तो आप लोगों को पता ही है, डार्क नाइट, और ये एक इरोटिक नॉवेल है। तो चलिए बिना देर करे मैं शुरू करता हूं। बट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप लोगों को स्टोरी टेलिंग एंड ये कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक करना और एक कमेंट करना ना भूलना प्लीज़, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन का प्ले टाइम कबीर के लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आया। हालांकि प्ले टाइम उसके लिए कुछ खास प्ले टाइम नहीं हुआ करता था। हिकमा वाली घटना के बाद वह हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करता रहा जो उसे किसी परेशानी या दिक्कत में डाल सके, यानी लगभग हर चीज़। उस दिन भी वह अकेले बैठा था कि उसे हिकमा दिखाई दी, मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए। कबीर को हिकमा की मुस्कुराहट का राज समझ नहीं आया। उसे तो कबीर से नाराज़ होना चाहिए था, और नाराज़गी में मुस्कान कैसी। मगर उसकी मुस्कुराहट के बावजूद कबीर के लिए उसके नज़रें मिलाना कठिन था। उसने तुरंत पलकें झुकाई और आंखें दूसरी ओर फेर ली, या यूं कहे कि पलकें अपनी आप झुकी और आंखें फिर गई। मगर ऐसा होने पर उसे थोड़ा बुरा भी लगा। सभ्यता का तकाजा था कि जब हिकमा मुस्कुराकर देख रही थी तो एक मुस्कान कबीर को अभी लौटानी चाहिए थी। मगर एक तो उसकी हिम्मत हिकमा से आंखें मिलाने की नहीं हो रही थी, और दूसरा हिकमा के थप्पड़ की वजह से नाराज़गी उसे भी थी, और तीसरा कूल का एटीट्यूड दिखाने का सुझाव। अभी कबीर यह भी नहीं कर पाया था कि हिकमा की मुस्कुराहट का जवाब किस तरह दे कि उसे एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। हाय कबीर, उसने नज़रें उठाकर देखा, सामने हिकमा खड़ी थी। उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आई और मुस्कुराहट से निकल भी पड़ा हाय। कबीर ने उठकर एक नज़र हिकमा के चेहरे को देखा, फिर नज़र भर कर देखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। थोड़ा संभलते हुए उसने कहा, सॉरी हिकमा। इतना सुनते ही हिकमा हंस पड़ी, इस बार तुमने मेरा नाम सही लिया है। हिकमा के हंसते ही कबीर के मन से थोड़ा बोझ उतर गया, और साथ ही उतर गई उसकी बची खुची नाराज़गी। आई एम सॉरी, इस बार उसने हल्के मन से कहना चाहा। डोंट से सॉरी, मुझे पता है कि गलती तुम्हारी नहीं थी, हिकमा ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा। हिकमा से यह सुनकर कबीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। तुम्हें कैसे पता चला? वह लगभग चहक उठा। कबीर, मेरे साथ इस तरह का मजाक होते रहता है, मेरा नाम ही कुछ ऐसा है। मगर जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ नए हो तो मुझे लगा कि ये किसी और की शरारत रही होगी। थैंक यू, खुशी कबीर के चेहरे पर ठहर नहीं रही थी। हिकमा के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया। कबीर, आई एम सॉरी दैट। नो नो, प्लीज़ डोंट से सॉरी, इट्स ऑल राइट। वही हुआ जो कबीर ने सोचा था। वह हिकमा को एटीट्यूड नहीं दिखा सका। हिकमा ने उसे माफ़ कर दिया, उसने हिकमा को माफ़ कर दिया। अब बात आगे बढ़ानी थी। कबीर ने बेसब्री से हिकमा की ओर मुस्कुराकर देखा कि वह कुछ और कहे। अच्छा भाई, क्लास का टाइम हो रहा है, उसने बस इतना ही कहा और पलटकर अपने क्लासरूम की ओर बढ़ गई। हिकमा से कबीर ने जो कुछ सुना और उससे जो कुछ कहा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कबीर के लिए हिकमा से इतना सुनना भी बहुत था कि वह उससे नाराज नहीं है, मगर फिर भी उससे और भी कुछ सुनना चाहता था, उससे और भी कुछ कहना चाहता था। कुछ अगले कुछ दिन प्ले टाइम और डिनर ब्रेक में कबीर की नज़रें हिकमा से मिलती रही। हिकमा कबीर को देखकर मुस्कुराती और कबीर उसे देखकर मुस्कुराता, इससे अधिक कुछ और ना हो पाता। प्ले टाइम में हिकमा अपने साथियों के साथ होती, कबीर अक्सर अकेला ही होता। हालांकि कबीर ने कुल को माफ़ कर दिया था, हैरी से भी उसे कोई खास नाराज़गी नहीं थी, फिर भी उसे अकेले रहना ही अच्छा लगता। डिनर ब्रेक में भी वो अलग ही बैठता। हिकमा डिनर थी, कबीर सैंडविच था। एक दिन कबीर ने हिकमा को अकेले पाया, उससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था उससे बात करने का। कुछ हिम्मत बटोर कर कबीर उसके पास गया। हाय। हाय, हिकमा ने मुस्कुरा कर कहा। हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स। हिकमा का थैंक्स कहना कबीर को थोड़ा औपचारिक लगा। उसके आगे उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। कुछ देर के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैक था, फिर अचानक उसके मुंह से निकला,
डू यू लाइक बटाटा वड़ा? बटाटा वड़ा, हिकमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बटाटा वड़ा, यह क्या होता है? आलू से बनता है, स्पाइसी डीप फ्राइड। यू मीन समोसा? नहीं नहीं, समोसा में मैदा की कोटिंग होती है, ये बेसन से बनता है। ओह आई नो व्हाट यू मीन। खाओगी अभी? हिकमा के चेहरे पर हैरत में लिपटी मुस्कान थी। नहीं फिर कभी। उस समय घड़ी में दोपहर के 2 बजे थे, मगर कबीर के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वह सोच कुछ और रहा था, कह कुछ और रहा था। उसकी हालत देखकर हिकमा की हंसी छूट गई। कबीर को और भी शर्म महसूस हुई। अच्छा बाय, कबीर ने घबराकर कहा और वहाँ से लौट आया। हिकमा के चेहरे पर हंसी बनी रही। 15 साल की उम्र वह उम्र होती है जिसमें कोई लड़का कभी किसी हसीन दोसीजा की जुस्तजू में संपर्क कर देना चाहता है, और कभी किसी इनकलाब की आरजू में बगावत का परचम उठा लेना चाहता है। मगर इन दोनों चाहों के मूल में एक ही चाह होती है, खूबसूरती की चाह। कभी आईने में झलकते अपने ही अश्क से मोहब्बत हो जाना, तो कभी अपने कमियों और सीमाओं से विद्रोह पर उतर आना। सब कुछ अनंत के सौंदर्य को खुद से लपेट आ लेने और खुद में समेट लेने का क़वायदा सा होता है। यह कभी नीम नीम कभी सहत सहत की क़वायदा इंसान को कहाँ ले जाती है, वह कभी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जिस मिट्टी पर ये क़वायद हो रही है वह कितनी सख्त है या कितनी नर्म। कबीर के लिए उस वक्त लंदन और उसकी अनजानी तहजीब की मिट्टी काफ़ी सख्त थी, जिस पर पांव जमाने में उसे कुछ वक्त लगना था। सरकार अंकल, साबुदाना है? कबीर ने भारत सरकार की दुकान पर उससे पूछा। कबीर की माँ का उपवास था और उन्होंने कबीर को साबुदाना लेने भेजा था। एक मिनट वेट करो, बिस्मिल से मंगाता है, सरकार ने कहा। 20 मील से आने में तो बहुत समय लग जाएगा, एक मिनट में कैसा आएगा? कबीर ने भोलेपन से कहा। हमारा नौकर है बिस्मिल, 20 मील पीछे से साबुदाना लेकर आना, सरकार ने आवाज़ लगाई। कबीर को समझ आ गया कि बिस्मिल को बिस्मिल कह रहे हैं, बिसिम्मल को बिस्मिल कह रहे हैं। कबीर साबुदाने के आने का इंतज़ार कर रहा था और उसे दुकान के भीतर हिकमा आती दिखाई दी। कबीर हिकमा को देखकर खुशी से चहक उठा। हाय हिकमा। हाय कबीर, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, तुम क्या लेने आई हो? बेसन, इंटरनेट पर बटाटा वड़ा की रेसिपी बड़ी है, आज बनाऊँगी। तुम बनाओगी बटाटा वड़ा? कबीर ने आश्चर्य में डूबे खुशी से पूछा। कबीर को खुशी इस बात की थी कि हिकमा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, वरना उसे तो यही लग रहा था कि उसने हिकमा के सामने अपना खुद का मजाक उड़ाया था। हाँ तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं कुक कर सकती हूँ, बनाकर खिलाओगी तो यकीन हो जाएगा। ठीक है, कल स्कूल लंच में तुम मेरे हाथ का बटाटा बना खाना। कबीर ने हिकमा को बटाटा वड़ा खिलाने के लिए तो कह दिया, पर उसे फिर से स्कूल में अपना मजाक उड़ाए जाने का डर लगने लगा। इसी मजाक के डर से वह लंच बॉक्स में बाहर से खाना ले जाने की जगह सैंडविच ले जाने लगा था, लेकिन वह हिकमा के साथ बैठकर उसके हाथ का बना बटाटा वड़ा खाने का लोभ सनवर नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच, और हाँ चाहो तो इसे टिप समझो या फिर रिक्वेस्ट, मगर उसमें मीठी नीम जरूर डालना। मीठी नीम? हिकमा ने शायद मीठी नीम का नाम नहीं सुना था। करी लिव्स, कबीर ने स्पष्ट किया। अगले दिन कबीर लंच में हिकमा के साथ बैठा था। वह अपने लंच बॉक्स में माँ के हाथ का बना आलू टिक्की सैंडविच लाया था, मगर उसकी सारी दिलचस्पी हिकमा के साथ बने बटाटा वड़ा में थी। हिकमा ने लंच बॉक्स खोला। लहसुन अदरक और मीठी नीम की मिली जुली खुशबू उसके डिब्बे से उड़ी। कबीर को वह खुशबू भी ऐसी मादक लगी मानो हिकमा के शरीर से उड़ी किसी परफ्यूम की खुशबू हो। हिकमा खुद डिनर थी, बटाटा वड़ा तो बस कबीर के लिए ही लाई थी। वह अमेजिंग, दिस इज़ रियली वेरी टेस्टी, कबीर ने बटाटा वड़ा का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। तुमने जो कुकिंग टिप दी थी ना मीठी नीम डालने का, उससे और भी टेस्टी हो गया, हिकमा ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। हे बटाटा वड़ा, अचानक 2 टेबल दूर बैठे कूल की आवाज़ आई। कबीर ने उसे देखकर गंदा समूह बनाया और फिर किसी तरह अपनी भाव भंविंग
ठीक करने की कोशिश करते हुए हिकमा की ओर देखा। तुम कबीर को बटाटा बड़ा क्यों कहते हो? हिकमा ने कूल से पूछा। उसके आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था। क्योंकि इसे बटाटा बड़ा पसंद है, कूल ने हंसते हुए कहा। तो तुम्हारा नाम तंदूरी चिकन होना चाहिए। हिकमा ने एक ठहाका लगाया। हिकमा के साथ कबीर और कूल भी हंस पड़े। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? कूल ने आंखें मटकाते हुए पूछा। मीठी नीम, हिकमा ने फिर वही मीठी मुस्कान बिखेरी। कबीर बहुत देर तक उस मीठी मुस्कान को देखता रहा। इतनी अच्छी कुकिंग कहाँ से सीखी? कबीर ने हिकमा की मुस्कान पर नज़रें जमाए हुए पूछा। मेरा डैड कश्मीरी है और मॉम इंग्लिश है। डैड को इंडियन खाना बहुत पसंद है और मॉम को इंडियन कुकिंग नहीं आती थी, इसलिए मॉम कुकिंग बुक्स और मैगजीन में रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाती थी। घर पर हर वक्त ढेरों कुकिंग बुक्स और मैगजीन्स होती थी, उन्हें पढ़ पढ़ कर मुझे भी कुकिंग का शौक हो गया। ओह नाइस, कबीर को अब जाकर हिकमा के कोरे गुलाबी गालों का राज समझ आया। तुम भी कुकिंग करते हो? हिकमा ने पूछा। मैं बस अंडे उबाल लेता हूँ, कबीर ने हंसते हुए कहा। टिपिकल इंडियन बॉय, हिकमा भी हंस पड़ी। कुछ दिनों बाद कबीर के मम्मी, मामा मामी यानी समीर के माता पिता कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए, समीर के घर पर अकेला छोड़कर। समीर जब घर पर अकेला होता था तो वह घर घर नहीं रहता था, बल्कि क्लब हाउस होते थे, मेड हाउस बन जाते थे। इस बार भी वैसा ही हुआ। समीर ने अपने साथियों को हाउस पार्टी पर अपने घर बुलाया। कबीर तो खैर वहाँ मौजूद ही था। आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि ब्रिटेन के टीनेज पार्टियों में क्या होता है। टीनेज पार्टियाँ हर जगह एक जैसी ही होती है। जब 16 साल के लड़के लड़कियाँ मिलते हैं तो वह आपकी और मेरी तरह किस्से सुनाते सुनाते नहीं, बल्कि अपनी सरगम हरकतों से किस्से रचते हैं। उस रात भी उस पार्टी में एक खास किस्सा रचा गया था। टीनेज पार्टियों में दो चीज़ें अनिवार्य होती है, एक तो संगीत और दूसरी शराब। संगीत वही होता है जिस पर थिरका जा सके, मगर वैसा संगीत ना भी हो तो जवान लड़के लड़कियां खुद ही अपनी ताल पैदा कर लेते हैं। और अब जब शराब भीतर जाए तो फिर वो किसी ताल के मोहताज भी नहीं रहते। कुछ ही देर में वे या तो जोड़ों में बढ़ जाते हैं या जोड़े बनने में मशगूल हो जाते हैं, और पार्टियां ख़त्म होते तक कुछ नए जोड़ों की ताल मिल जाती है और कुछ पुराने जोड़ों की ताल छूट जाती है। समीर के घर संगीत का इंतजाम तो पहले से था, सोनी का होम थिएटर बॉस के स्पीकर्स के साथ। शराब का इंतजाम भी उसने कर लिया था। हालांकि ब्रिटेन में 18 साल के कम के बच्चों का शराब खरीदना और माता पिता की मर्जी के बिना शराब पीना गैर कानूनी है, मगर समीर ने बिसिम्बल के जरिए भारत सरकार की दुकान से शराब मंगा लिया था। वैसे बिसिमल महजबी कारणों से खुद शराब नहीं पीता था, मगर ऊपर से पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग 7 बजे समीर के साथी आना शुरू हुए। सबसे पहले आई टीना। टीना समीर की गर्लफ्रेंड थी, लंबी गोरी सिखनी यानी पंजाबी सिख लड़की। हाय कबीर, टीना ने कबीर को देखकर हाथ आगे बढ़ाया। कबीर को टीना को देखकर बहुत कुछ होता था। उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी और आंखें चोर बजारी करने लगती थी, मगर वह टीना से हाथ मिलाने का मौका हाथ से डालने नहीं देता। इस बार भी उसने तपाक से हाथ बढ़ाया, या यूं कहो कि हाथ खुद ब खुद बढ़ गया। मगर टीना का हाथ छूते ही उसकी धड़कन कुछ इस तेज़ी से बढ़ी कि उसे लगा कि अगर तुरंत हाथ ना हटाया तो उसके दिल सीने से उछल कर टीना के पैरों में जा गिरेगी। सो हाथ जिस तेज़ी से बढ़ा था उसी तेज़ी से पीछे भी आ गया। वैसे भी उसे ब्रिटेन की लड़कियां में यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि लड़कों से हाथ मिलाने में कोई शर्म या संकोच ना करना, और थोड़ी निकटता बढ़ने पर गले मिलने में भी वह तत्परता दिखाना। उस रात की पार्टी में कबीर यही उम्मीद लगाए हुए था कि समीर की सखियों में उसकी निकटता गले लगने तक बैठे। थोड़ी देर में समीर के दूसरे साथी भी आना शुरू हो गए। कुछ जोड़ों में थे और कुछ अकेले थे। जो जोड़ों में थे उनके हाथ एक दूसरे के बाहों या कमरे में लिपटे हुए थे, और जो अकेले थे उसके हाथ बोतलों पर लिपटे हुए थे, कुछ शराब और कुछ कोको कोला या स्प्राइट की, जिनके भीतर भी शराब ही थी। जो लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी उन्हें बहुत छोटे और तंग कपड़े पहने हुए थे, जो लड़कियाँ अकेले थी उन्होंने उनसे भी छोटे और तंग कपड़े पहने हुए थे।
कबीर ने इतनी सारी और इतनी खूबसूरत लड़कियों को इतने कम और तंग कपड़ों में अपने इतने करीब पहली बार देखा था। उसे बचपन के वे दिन याद आने लगे जब वह किसी केक या पेस्ट्री की शॉप पहुंचकर वहां सजी ढेरों रंग बिरंगी क्रीमी फ्रूटी चॉकलेटी पेस्ट्रियों को देखकर दीवाना हो जाता था और मुंह में भरा पानी कभी लार के रूप में छलक के टपक भी पड़ता था। मगर फ़र्क यह होता था कि वह उसे एक या दो पेस्ट्री खरीद दी जाती थी जो मुंह के पानी में घुलकर उसकी लालसा पूरी कर जाती। यहाँ उसे अपनी लालसा पूरी करने की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। पार्टी शुरू हुई और युवा ऊर्जा चारों ओर बिखेरने लगे। म्यूजिक लाउड था और उस पर थिरकते कदम तेज थे। लड़के लड़कियाँ के हाथ कभी एक दूसरे के कमर जकड़ते तो कभी बियर की बोतल और शराब के प्याले पकड़ने को लपकते। उनके होठ शराब के कुछ घूंट भीतर उड़ेड़ने को खुलते और फिर जाकर अपने साथी के होठों पर चिपक जाते। धीरे धीरे शराब उड़ेल उनके कदमों की ताल बिगाड़ने लगी और कुछ देर बाद सिर चढ़कर बोलने लगी। अचानक ही एक लड़का लहराकर फर्श पर गिरा और लौटने लगा। उसे गिरता देख कबीर घबरा कर चीख उठा, इसे क्या हुआ? नथिंग, ही जस्ट वांट्स टू लुक अंडर गर्ल्स स्कर्ट, समीर ने हंसते हुए कहा। व्हाट कलर आर हर पैंटीज? टेल मी व्हाट कलर आर हर पैंटीज? ब्लैक इज सेक्सी, सेक्सी ब्लू इज क्रेजी क्रेजी, नशे में धूत एक लड़के ने गाना शुरू किया। गाइज स्टॉप दिस, आई नीड टॉयलेट, अचानक टीना की चिखती हुई आवाज आई। ओए किसी को टॉयलेट आ रही है तो इसे दे दो। सी नीड्स टॉयलेट, एक सिख लड़के ने ठहाका लगाया। सेट अप, देयर इज समवन इन टॉयलेट फॉर फास्ट 40 मिनट, टीना फिर से चीखी। आर यू होल्डिंग योर पी फॉर 20 मिनट्स? गाइज लेट्स हैव ए होल्ड योर पी चैलेंज, सिख लड़के ने बाएं हाथ से अपने टांगों के बीच इशारा किया। टीना पी ऑन द गाइज, किसी ने फर्श पर लौट रहे लड़के की ओर इशारा किया। ही हैज फैटिस फॉर गर्ल्स पीसिंग ऑन हिम, फर्श पर लौटता हुआ लड़का पीठ के बल सरकते हुए टीना के पैरों के पास पहुंचा और गाने लगा। पीस ऑन माई लिप्स एंड टेल मी इट्स रैंगिंग, पीस ऑन माई लिप्स एंड टेल मी इट्स रैनिंग, पीस ऑफ, टीना ने उसके बाएं कंधे को ठोकर मारी और दौड़ते हुए किचन के रास्ते से बैक गार्डन की ओर भागी। इस बीच कबीर को भी जोरों से पेशाब लगी थी। दो बार टॉयलेट के दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब भीतर से दरवाज़ा ना खुला तो वह बैक गार्डन की ओर भागा। गार्डन में अंधेरों में डूबती शांति थी, भीतर के शोर शराबे के विपरीत बाहर की शांति कबीर को काफ़ी अच्छा लगा। हल्की मस्ती से चलते हुए बाएं किनारे पर एक घनी झाड़ी के पास पहुंचकर उसने जींस की जीप खोली और अपने ब्लेडर का प्रेशर हल्का करने लगा। हे, हु इज दिस इडियट, व्हाट आर यू डूइंग? झाड़ी के पीछे से किसी लड़की की चीखती हुई आवाज़ आई। कबीर ने झाड़ी के बगल में झाँक कर देखा तो पीछे टीना बैठी हुई थी। उसकी स्कर्ट कमर पर उठी हुई थी, उसकी पैंटी घुटने पर सरकी हुई थी। कबीर की नज़रें उसके क्रॉच पर जम गई और उसके जीन्स की जीप से बाहर लटकता उसका प्राइवेट तन कर कड़ा हो गया। लुक व्हाट यू हैव इन इडियट, टीना ने अपने सीने की ओर इशारा किया। कबीर ने देखा कि टीना के टॉप के ऊपर दो बटन खुले हुए थे और उसका स्तन भींगा हुआ था। यू हैव वेट मी विद योर पीस, कम हियर, टीना ने गुस्से में कहा। कबीर घबराता हुआ टीना की ओर बढ़ा। अचानक उसका पैर झाड़ियों में अटका और वह लड़खड़ा कर टीना के ऊपर जा गिरा। इससे पहले कि कबीर संभल पाता, टीना ने उसके गले में बाहें डालते हुए उसके चेहरे को खींचकर अपने दोनों स्तन के बीच दबा लिया। नाउ सक योर पीस ऑफ माई ब्रेस्ट, टीना के होठों से हंसी फूट पड़ी। कबीर ने होश तो पूरी तरह उड़ गए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसकी तुलना किसी और अनुभव से करना मुमकिन नहीं था। एक पल को कबीर को ऐसा लगा मानो उसके चेहरे पर उसके मुलायम कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, जिसके रेशमी पंख उसके गालों को सहलाते हुए उसे अपने साथ उड़ा ले जाना चाहते हो, या फिर उसने अपना चेहरा किसी सॉफ्ट क्रीमी पाइनएप्पल केक में धंसा दिया हो जिसकी क्रीम से निकलकर पाइनएप्पल का मीठा जूस उसके होठों को भिगा रहा था। मगर कबीर उन तमाम तुलनाओं के ख्यालों को एक और सरका कर उस वक्त के हर पल की अनुभूति में डूब जाना चाहता था।
वैसा सुखद, वैसा खूबसूरत उससे पहले कुछ और नहीं हुआ था। अचानक टीना ने उसके प्राइवेट को जीन्स की खुली जीप के बाहर देख खींचते हुए अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। कबीर घबरा उठा, उसे ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। टीना के हाथ उसके प्राइवेट को जकड़े हुए थे, उसके होठ टीना के सीने पर जमे हुए थे। कुछ बेहद सुखद था, मगर करीब कबीर के पसीने छूट रहे थे। उस पल में आनंद तो था, मगर उससे भी कहीं अधिक अज्ञात का भय था। अज्ञात का भय आनंद के मार्ग के बहुत बड़ी रुकावट होती है, मगर उससे बड़ी रुकावट होती है मनुष्य का खुद को उस आनंद के लायक ना समझना। कबीर को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हो रहा था वह कोई सपना ना होकर एक हकीकत था, और वह उस हकीकत का आनंद लेने के लायक था। उसे चुनना था कि वह उस आनंद के अज्ञात मार्ग पर आगे बढ़े या फिर उससे घबरा कर या संकोच कर भाग खड़ा हो। कबीर के भय और संकोच ने भागना चुना। टीना की पकड़ से खुद को छुड़ाता हुआ वह भाग खड़ा हुआ।